दोस्तों, एक मोहम्मद सिराज है जिनके पिता का निधन हो गया, फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया दौरा छोड़कर नहीं आए। और एक विराट कोहली है जिनके बच्चे का जन्म होने वाला है और फिर भी वो टेस्ट मैच छोड़कर भारत आएंगे। इसी पर कपिल देव ने भी कुछ बात कही है। अगर आप कपिल देव की बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे को बीच में छोड़कर जाने के फैसले का समर्थन किया है। साथ ही कपिल देव ने यह भी कहा है कि उनके समय में किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसा कर पाना असंभव होता। याद दिला दें कि टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने अपने पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मौजूद रहने के लिए दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलकर भारत लौटने का फैसला किया था, जिसको लेकर उनकी काफी सराहना की जा रही थी। इस मुद्दे पर बात करते हुए पूरे कप्तान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम जाकर वापस आने का खर्च उठा पाते। सुनील गावस्कर ने अपने बेटे को महीनों तक नहीं देखा था, वो अलग समय था, अब देखिए समय बदल चुका है। उन्होंने कहा, अगर मैं कोहली की बात करूँ, जब उसके पिता का निधन हुआ था वो अगले दिन क्रिकेट खेलने वापस आया था। आज हम उसके अपने बच्चे के लिए छुट्टी लेने की बात कर रहे हैं, ये सही है, आप ये कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर ने माना कि समय के साथ हुए बदलाव की वजह से मौजूदा क्रिकेट में इस तरह की छुट्टियां लेने संभव है जो पहले शायद नहीं हो पाता था। उन्होंने कहा, आप एक प्लेन खरीद सकते हैं और 3 दिन में घर जाकर वापस आ सकते हैं। मुझे ये जानकर खुशी और गर्व महसूस होता है कि आज के खिलाड़ी उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जो वो ये कर सकते हैं। मैं विराट के लिए खुश हूं, वो अपने परिवार को देखने वापस आ रहा है। मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर जुनून है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो पिता बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली का ये फैसला सही है या गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।